सेक्शंस में डिवाइड किया। एक मसला कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, एक रिपोर्ट जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने तैयार की, जिसका टाइटल यह था एडिक्शन रनअवे प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी। एडिक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम जो आउट ऑफ कंट्रोल है हमारी सेंचुरी का। देखिए, मैं एक चीज की वजाहत आपके सामने करना चाहूंगा। मैंने पहले दिन ये अर्ज किया था कि फर्श इमाम हुसैन की कदर को समझिए। इमाम माह मुबारक मुहर्रम और सफर में एक सबील लगाते हैं। मैंने अर्ज किया था कि इमाम की सबील पर हर चीज अवेलेबल है। वाकयन हमारी बदकिस्मती होगी कि हम इस फर्श अजा पर सिर्फ सवाब लेने आए। जिस वक्त आप यहाँ पे दाखिल भी नहीं होते, जब आप घर से अपने इस इरादे से निकलते हैं, सवाब आपके उसमें रजिस्टर में लिख दिया जाता है। तो सिर्फ सवाब पे इक्तफा ना कीजिए। यहां से यहां हर चीज है, इमाम की बारगाह में कायनात है। इमाम के पास इल्म लीजिए, इमाम के पास हर चीज लीजिए, अपने सामाजिक मसाइल का हल भी यहां से लीजिए। इसलिए मैं मजबूर हूं कि कुछ चीजें जो कल आपकी खिदमत में गोश गुजार की, उसे दोबारा बयान करूं, कुछ उसको एक्सप्लेन ज्यादा करूं। उसकी वजह यह है कि मैं यकीनन यकीन रखता हूं इस अमर पे कि ये जो मैं आपके सामने तीन एलिमेंट बयान करूंगा, अगर आप इसे अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करें, शर्त अप्लाई करने की है, तो यकीनन आपके ये मसाइल और आपके बच्चों के मसाइल हल होंगे। लिहाजा इसे सिर्फ आप ये ना समझिए कि एक मजलिस है, आए वहां पर कुछ सवाब लें और चले जाएं।
नहीं, इन पॉइंट्स को आप जहन में रखिए। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, मैं यकीन पर फाइज हूं इस मसले में। निशानियां मैंने देखी हैं इसकी, इसको अप्लाई भी करवा के देखा है, खुद किया भी है। लिहाजा मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं यकीन की मंजिल पे अर्ज कर रहा हूं। एक सलावत पढ़ दीजिए। रिपोर्ट जो पेश की गई, रिपोर्ट वो ये थी, कल आपके सामने प्रोजेक्टर पे उसका हमने स्लाइड रखा, रिपोर्ट ये थी जिसमें ये कहा गया कि एडिक्शन हमारे जमाने का सबसे बड़ा मसला है। पहले आके एडिक्शन की तारीफ, एडिक्शन क्या है। एडिक्शन कहा एक ऐसा फिनोमेना है, एक एडिक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो शख्स इस फिनोमेना में इन्वॉल्व है वो जानते हुए कि इसकी वजह से उसका कोई नुकसान हो सकता है, इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, वो इस जब फिनोमेना में अटैच हो जाता है तो अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता। उन्होंने कहा एडिक्शन की ये तारीफ है। उसके बाद कहा कि एडिक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब अल्कोहलिज्म और ड्रग से शिफ्ट हुआ है। कहां पर शिफ्ट हुआ है? अब ये इंटरनेट, वीडियो गेम, बाइंग पैटर्न, टैनिंग, ओवर ईटिंग, इन तमाम सिम्प में हमें गैजेट्स, मॉल, ये तमाम हमें इस सिम्प में हमें नजर आता है कि लोग अब एडिक्टेड हैं। और मैंने आपके सामने मिसाल अर्ज की थी, आप अपनी जिंदगियों में झांक के देख लीजिए, बच्चे और बड़े जब वो किसी वक्त इन्वॉल्व होते हैं किसी वीडियो गेम में, किसी और एक्टिविटी में, फेसबुक पे, इंटरनेट पर, आईफोन पर, आप उन्हें आवाज देके कहते हैं बेटा आपके होमवर्क का टाइम हो गया, बेटा आपकी नमाज का टाइम हो गया। बच्चा ये नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, वो कहता है यस डैड आई नो बट आई कैंट राइट नाउ, लेट मी फिनिश दिस। यानी वो जिस फिनोमेना में अटैच है उससे डिटैच होना उसके लिए मुश्किल है। मैं ये अर्ज नहीं कर रहा कि हमारे बच्चे इस वक्त एडिक्टिव है, मैं कह रहा हूं एक पैटर्न है। अब देखिए हम उसको इसी अर्ली स्टेज पे अगर प्रिवेंट करने तो हम उस मुसीबत से बच जाएंगे। उन्होंने इस एडिक्शन के इफेक्ट्स भी बताए, इसके इफेक्ट्स क्या हैं उनका। उन्होंने कहा क्लिनिकल डिप्रेशन, उन्होंने कहा कि डिह्यूमनाइजेशन, अफसुर्दगी, लोनलीनेस, ये तमाम के तमाम इसके इफेक्ट्स हैं। रीजंस बताए, रीजंस मुख्तलिफ हैं, माइग्रेशन है उसमें, वो कहते हैं कि इसमें जो है वो बच्चे यहाँ जो जो कैपिटलिज्म है, हाइपर कैपिटलिज्म, उन्होंने मिसाल दी। अपने प्रूफ के लिए उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू देखिए, वीडियो कंपनीज जितनी भी हैं, आप जो जो खराब है, मैं उनका नाम भी यहाँ से नहीं लेना चाहता, वो वेबसाइट है जो कि गलत किस्म की एक्टिविटीज को, फहाशी को प्रमोट करती हैं, आप उनके रेवेन्यू देखिए। उन्होंने प्रूफ किया अपने पॉइंट को, और आने के बाद आखिर में कहा कि हम तीन सिम्टम, तीन चीजों के जरिए आप पहचान सकते हैं कि आया एक फर्द, एक शख्स, इफ समवन इज एडिक्टेड और नॉट, और गोइंग इन दैट डायरेक्शन और नॉट। व्हाट आर दोस सिम्टम्स? देयर थ्री सिम्टम्स, दे से देयर आर थ्री सीज, देयर आर थ्री सीज। इफ अ पर्सन, इफ अ चाइल्ड, इफ अ यूथ हैज अ क्रेविंग and compulsive behavior towards a thing, that thing could be an internet, a video game, it could be Facebook, it could be any other phenomena, that's one sign, this craving and compulsion. Second C is loss of control. वो अपने आप में फील करता है कि दैट ही लॉस्ट द कंट्रोल, ही कैन, ही नो दैट ही हैज टू डू द होमवर्क बट दैट ही कैन बिकॉज ही हैज टू फिनिश दिस मूवी। थर्ड उन्होंने कहा एक परसिस्टेंस है इसमें,
डिस्पाइट इसके कि आपको पता है कि इसके लॉसेस हैं, इसमें इसमें आपको प्रॉब्लम होगी आपके लिए, तो अगर उन्होंने एक चीज को डिफाइन किया कि आप अगर किसी एडिक्शन की सिम्टम्स को देखना चाहें तो इस किस तरह से देखेंगे, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल. अ पर्सन डजंट हैव अ कंट्रोल. यहां से हमने कहा जब कंट्रोल की बात आती है देन यू शुड हैव समवन हु इज कंट्रोलिंग ऑन समवन हु इज बीइंग कंट्रोल्ड. हतमन उन्होंने यहां पर आके यहां पे उन्होंने हाथ उठा लिए, उन्होंने कहा बस. नाउ सजेशन इज दैट ऑल द बॉडीज शुड कम टुगेदर, कम्युनिटीज एंड ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज, एंड दे कम टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. दैट्स इट, रिपोर्ट फिनिश, फुल स्टॉप. हमने कहा आपने ये तो कह दिया कि समवन इज आउट ऑफ कंट्रोल. हु इज आउट ऑफ कंट्रोल? कहां से, किसके हाथों से कंट्रोल निकला, कैसे निकला? यहां पे हमने आपके सामने आकर ह्यूमन डिजाइन डिफाइन किया कि देखिए इंसान में मुख्तलिफ फोर्सेस हैं. इंसान इस तरह से डिजाइन हुआ है कि उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस रखी गई हैं. एक वक्त इंसान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. किस लिए रखी गई है खुदा ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखिए ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके सामने पिछली मजालिस में अर्ज किया कि इंसान की जिंदगी का पर्पस ये है, नफख्तु फीहि मिन रूही से हमने मुकम्मल इस पर डिस्कशन की. क्या पर्पस है इंसान की जिंदगी का? व्हाट्स द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? Is that he has to acquire the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. उसको acquire करे, वो अल्लाह के जो qualities है उसको acquire करे. और हमने कहा था हमें कैसे पता चला कि ये purpose है, क्योंकि जब इंसान एक कामिल को हमने देखा तो हमने देखा खुदा ने आवाज दी ये यदुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है. यानी क्या, इसने कुदरत खुदा हासिल कर ली, इसने इल्म खुदा कमाल पे हासिल किया, ये तमाम जमाल और कमाल इसमें सिमट आया, इसलिए वजहुल्लाह है. यानी इंसान कामिल की मिसाल देके बताया कि दैट्स योर गोल ऑफ लाइफ. आपकी रूह को एक ट्रांसफर करना है. अब रूह को ट्रांसफर करने के लिए दे नीड, रू नीड हेल्प. अल्लाह सुभानहू व तआला ने रूह की हेल्प के लिए, बदन की हेल्प के लिए कुछ फोर्सेस इंसान को अता की. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन ऑफ देम इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लाइक इफ अ चाइल्ड इज लाइक अ 3 डेज ओल्ड चाइल्ड, ही इज फीलिंग हंग्री, हिज इफ ही विल स्टे हंग्री ही विल डाई. सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस समथिंग इनसाइड will tell him to cry, announce that you are hungry. Ye force of attraction usko push karti hai ki he will cry and says, announce that I am hungry, I'm thirsty, please help me. Yahan pe maa aati hai, usko doodh pilati hai. Kyun uska? Taaki badan salim reh sake. Dekhiye badan ke salim ki zarurat kyun hai? So he can, his body can be survived because his ruh need this body. As soon as the body khatam hogi, his ruh has to depart from this world and it will go premature to the other world. Jaise maine arz kiya tha, in the mother's womb human body was developed. If something happened and if this child will born premature, he will be incomplete, he will be retarded, or God forbid something else. Isi tarah ruh ko premature kya kehte hain, khalq nahi hona. उसके लिए उसको बॉडी को दी, हैज टू मेंटेन द बॉडी. तो अल्लाह सुभानहु व तआला ने एक फोर्स ऑफ, अल्लाह गिव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ही कैन, दिस पर्सन व्हेनेवर ही फील हंग्री, दिस समथिंग विल कम इनसाइड एंड विल टेल यू दैट यू आर हंग्री, गो ईट. इफ यू आर थर्स्टी, देयर समथिंग विल कम इनसाइड एंड से गो ड्रिंक. इंसान के अंदर फोर्स ऑफ, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रखा ताकि एक इंसान दूसरे इंसान के करीब आए और नस्ले इंसानी आगे चले. लेकिन नस्ले इंसानी को भी बचाना है, इस इंसान को भी बचाना है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी, फोर्स ऑफ रिपल्शन दी, कुए गजबिया दिया उसको.
देखिए जैसे ही इस बच्चे को, अभी ये दो माह का बच्चा है, एक माह का बच्चा है, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन ने अनाउंस करना शुरू कर दिया, मॉम यू हैव टू कम हेल्प मी, ही कैन नॉट टेल एनीथिंग, ही स्टार्ट क्राइंग। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या कर रही है, इस रूह की हेल्प कर रही है ताकि ये बॉडी सर्वाइव कर सके। ये सारी फोर्सेस अल्लाह सुभाना व तआला ने इंसान को दी ताकि उसकी हेल्प हो सके। फोर्स ऑफ इमेजिनेशन दी कि जब हमने कहा कि कोई भी चीज इंसान इन्वेंट नहीं कर सकता जब तक कि फोर्स ऑफ, आप देखिए आपने यहां बैठ के सोचा, मैं आपके सामने, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई विल गिव द एग्जांपल फॉर द यूथ, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर थिंकिंग दैट आई विश आई एम सिटिंग हियर and without wire I will be connected with internet. You first imagine and then you invented Wi-Fi, wireless modem, wireless routers. Hamesha koi bhi invention ka pehla step imagination hai. First, that's why human they are created, they are the one who are inventing. The animals, they are not doing any invention. That prove that animals, they don't have force of imagination. Or if they do, it's very limited. So, force of imagination is also the third force Allah subhanahu wa ta'ala give for this soul, to help this soul. Then what's happened normally? Hota kya hai? Ye forces baz awqat, inka formula ye hai. That's the formula. I can tell you the formula. If one of the forces will spoil, that will start becoming stronger and other forces will start becoming weaker. Their relationship is inversely proportional. If force of attraction will be stronger, the soul will be weaker. If soul will be stronger, the force of attraction will be weaker. So there is an inversely proportional relationship between them. तो अब मिसाल के तौर पे एक इंसान ने क्या किया, एक इंसान आया, उसको अब उसने अपनी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, एक बड़ा हो गया, जवान हो गया, देखिए बच्चे ये काम नहीं करते, अब उसको बड़ा हुआ, खाने की मेज पे बैठा, he's sitting on the sofa and then he wants to eat, now his force of attraction is wow, what a tasty food, let me keep eating, वो आपका जायका कह रहा है और खाओ और खाओ। अब देखिए जब ये खाने में आया, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको फोर्स कर रही है कि क्या करे, क्रॉस करे अपनी लिमिट्स। देखिए मैंने ये वर्ड यूज किया, क्रॉस करे अपनी लिमिट्स को, और कीजिएगा। देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट ईटिंग एंड नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, यू आर नॉट इवन पेइंग अटेंशन दैट योर ब्रदर आल्सो नीड दिस फूड। Sometimes they cross even that, they say they don't want to care if it's the food is halal or haram. And if the food is, I own this food or someone else own this food. See, if you will give control to force of attraction, it will become stronger and stronger, and it will ask soul, serve me now. Like you're watching a TV, you're turning the channel, and I was turning the channel over here, and I saw it's really bad over here. You're turning a channel and you see a bad scene. Your force of attraction says, okay, let me see that scene. Stop. So force of attraction is dictating. It's saying, stop. Let me watch. And soul is obeying. If soul is obeying, this force of attraction is becoming strong. Let me watch the next scene. Let me see what's happened. Because force of attraction like the scene. There is an impulse. That's what's going on. That force of repulsion. Now I'm angry. I need control. I need control over my younger brother. I need control for everything. And I can do it with my anger. Now, what's happening? This force of repulsion supposed to help, supposed to serve the soul. Now he's asking soul, you have to serve me. Soul is ko serve kar rahi hai. Yani balance out ho gaya. Har cheez out ho gayi. Dekhiye imam yahan ke kya farmate hain? Wahan pe imam ne kya kaha tha?
हमने जब रसूलुल्लाह से पूछा था इमाम हुसैन को व्हाई वी हैव टू कमेमोरेट मोर देन 2 मंथ एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जब मैं मेराज पे गया मैंने अर्श के राइट साइड पे लिखा देखा इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात इमाम गाइडेंस की टॉर्च है एंड आर्क ऑफ सेल्वेशन है सी आर्क ऑफ सेल्वेशन यू नीड आर्क फॉर इन द फ्लड फ्लड को उर्दू में क्या कहते हैं अरबी में क्या कहते हैं फारसी में क्या कहते हैं डू यू गाइज नो इन उर्दू दिस फ्लड इज कॉल्ड तुगियानी It's a Quranic term. In Quran, it's about Taghut, Taghi. Firaun, yani Quran ki ayat hai, Musa, Firaun, Taghut ho gaya hai, jao uski taraf. Taghut or Taghi, it's the same thing. Why we call Taghut? What's the meaning of Taghut? See, flood. What's the meaning of flood? There is a limit for the water. Right? Whenever water cross this limit, Because there's a flood. You need something to save yourself. You need ark of salvation. ताहूत क्या काम करता है? ताहूत को क्यों ताहूत कहा जाता है? Because he crossed his limits. ताहूत तुगियानी तुगियानी हम कहते हैं दरिया में तुगियानी आ गई यानी दुनिया के दरिया में तुगियानी आ गई क्या मतलब दरिया ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया जब दरिया ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया तो हमने कहा तुगियानी आ गई तो जब भी कोई चीज अपनी लिमिट को क्रॉस करती है तो हम कहते हैं तुगियानी आ गई फ्लड आ गया देखिए अब क्या हो रहा है इस केस में आंख अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है आंख का काम था उस सोल को सर्व करना आंख क्या कर रही है कह रही है लेट मी एंजॉय फ्रॉम दिस सीन इट्स क्रॉसिंग इट्स लिमिट कान क्या कर रहे हैं कान का काम था सोल को सर्व करना कान क्या कर रहा है अपनी लिमिट को क्रॉस कर लेट मी लिसन रिवर लेट मी लिसन तोहमत लेट मी लिसन अदर थिंग जबान का क्या काम था जबान का काम था सिर्फ सोल को सर्व करे ये आके सोल को कहता है कि लेट मी से वाले बनाए मन से क्रॉसिंग द लिमिट ऑल ऑफ देम आर तुगियानी व्हेनेवर यू क्रॉस अ लिमिट इट्स तुगियान ऑल ऑफ दीस फोर्सेस डूइंग तुगियानी देयर इज अ फ्लड एंड व्हेनेवर देयर इज अ फ्लड यू नीड एन आर्क एंड दैट्स व्हाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन्ना हुसैन सफीना तुम निजात इमाम हुसैन सफीना निजात है इज एन आर्क ऑफ सेल्वेशन और फिर हम गए इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के पास इमाम जाफर सादिक से पूछा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अबूदिया फुज़ैल आस्क दैट इमाम सेड अल अबूदिया तो जौहरतुन कुल्हुहा अर रुबिया अबूदिया अबूदियत क्या है मैं आज इस अबूदियत की खातिर वापस आया हूं इस सब्जेक्ट पर क्योंकि अगर मुझसे मोमिन सवाल कि अबूदियत क्या है मैंने कहा मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूं अबूदियत क्या है इमाम फरमा रहे हैं अबूदियत इज समथिंग अबूदियत जौहरतुन न्यूक्लियस अबूदियत का जो न्यूक्लियस है कुन होहा इट्स रियलिटी कुन कहते हैं किसी चीज की रियलिटी को अबूदियत का न्यूक्लियस अबूदियत की रियलिटी क्या है और रबूबिया अगर यू विल डू अबूदियत आई प्रॉमिस यू इमाम मासूम कह रहे हैं कि इमाम क्या देंगे आपको रबूबियत देंगे रबूबियत देंगे आपको रब बना देंगे रब बनाने का मतलब क्या है देखिए रब खुदा के अलावा कोई दूसरा रब नहीं है परस्तिश के काबिल नहीं रबूबियत के मायने जब आप डिक्शनरी में आके देखते हैं रावी इस्फहानी उठा लीजिए इब्ने मंजूर उठा लीजिए जिसको भी उठा के देखते हैं कहते हैं रब के मायने हु हैज एन अथॉरिटी यानी क्या देखिए क्या हुआ था हमारी प्रॉब्लम में उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा इज अ 3C आउट ऑफ कंट्रोल अथॉरिटी मीन कंट्रोल
ये कह रहे थे हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हम कहते हैं, इमाम कहते हैं, ये तरीका है कंट्रोल लेने का। कंट्रोल लेने का तरीका क्या है? अबूदियत। अबूदियत है कंट्रोल लेने का तरीका। अब आए देखें अबूदियत क्या है। और हमने कहा था, हमने अबूदियत कहां से ली? हमारा वादा था। देखिए, वी गॉट दिस अबूदियत, द कांसेप्ट ऑफ अबूदियत फ्रॉम कर्बला। बिकॉज़ व्हेन वी लुक एट द कर्बला, दिस फिनोमेना वाज स्ट्रेंज। वी फाइंड देयर आर थ्री कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल द कंपेनियन ऑफ द इमाम हुसैन, which was not been found in any other uprising, even in Prophet Muhammad's time, even in Imam Ali time, even as Imam Hassan time, and one of them was Abudiyat. देखिए अबूदियत किसको कहते हैं? अबूदियत कहाँ से निकली है? अबूदियत के मीनिंग in English it's called servitude. अबूदियत यानी क्या? कहाँ से निकला है? अब्द होने से। अगर आप पुराने जमाने का वक्त याद करें, एक लॉर्ड होता था, एक अब्द होता था। लॉर्ड इशारा करता था, अब्द खड़ा हो जाता था। लॉर्ड इशारा करता था, अब बैठ जाता था। अब कुछ ऑन नहीं करता था, कुछ ऑन नहीं करता था। इनफैक्ट वो खुद ऑन हुआ होता था लॉर्ड के जरिए। अबूदियत इसको कहते हैं। हाँ, इबादत उसका एक मिसदाक है, उसकी एक मिसाल है। असासन हमें खल्क किया गया है अबूदियत के लिए। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। यहां याबुदून कौन समझते हैं? इबादत नहीं। मैंने इंसानों को और जिनों को खल्क नहीं किया मगर अबूदियत के लिए। Lord वो है। अब आप समझे? Then my youth, they sometimes they ask why suicide is haram in Islam? Because of Abudiyat. Because you don't own yourself. Allah Subhanahu wa Taala gave you this body. That's not your body. He gave you to use it. Like sometimes you go rent a house. You rent a house. You says I want to break that house. They says no. I didn't give you to as an owner. I didn't make you as an owner. I'll let you stay in this house. You're not supposed to destroy the wall. You're not supposed to destroy the doors. Same way Allah subhanahu wa ta'ala said, this body I gave you, listen, you don't own that body. I gave you, that's it. You're not the owner. Owner malik hai. Hum sab ki har cheez ka owner khuda hai. इसीलिए जब आप नमाज करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही पढ़ते हैं ना आप? आप क्या पढ़ते हैं कि मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी इबादत, हर चीज अल्लाह के लिए है। यही करते हैं। जब आप किसी की मौत होती है तो क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाह। हम कहां से हैं? किसके हैं? अल्लाह के हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन। We are the property of him and we are going to return back to him. He is the owner. We are abd. He is the Lord. We are abd. That's the meaning of abudiyah. And how do you get this abudiyah? Abd, malik, the Lord has told you, asked you to go pray. This is one of his order. Go pray, go fast, go hajj. Because Allah subhanahu wa ta'ala know these are the tool to reach you to abudiyah. देखिए आप जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, आप प्रैक्टिस होती है कंट्रोल की, क्योंकि अल्टीमेट गोल अबूदियत का क्या है? अल्टीमेट गोल अबूदियत का क्या है? इमाम ने फरमाया, इमाम मासूम फरमा रहे हैं, एक लफ्ज इधर उधर नहीं होता। इमाम की मंजिलत उस जगह पे है, इस्मत है। सिर्फ मामला इस्मत मासूम का ये ना समझिए कि मासूम गलती नहीं करता। मासूम के मुंह से जो निकलता है वो वही होती है। मासूम के मुंह से एक लफ्ज ज्यादा नहीं निकलता, एक लफ्ज कम नहीं निकलता। इमाम फरमा रहे हैं, अल अबूदिया तो जौहरतुन कुन होहा अल रबूबिया। अबूदियत आपको रबूबियत देगी। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? द प्रैक्टिस विल बी थ्रू प्रेइंग। लुक, व्हेन यू आर स्टैंडिंग फॉर प्रे, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर फेस, यू आर नॉट अलाउड टू मूव योर बॉडी, यू आर नॉट अलाउड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, यू आर नॉट अलाउड टू
do anything else. Someone is the phone is ringing. You're not supposed to go and change from here. You're not supposed to pray. The namaz. This is practice. आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है किसकी कंट्रोल की, किस चीज के ऊपर अपने बदन पे कंट्रोल की। आपको अपने बदन पे कंट्रोल हासिल होता है। आप एक सिंप में खड़े होकर कहते हैं अल्लाह अकबर, आपने एक मखसूस चीज पढ़नी है, आपने मखसूस अंदाज में झुकना है। यह जाहिरी मायने में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर सिर्फ जाहिर को देखें इबादत की तो वहां कंट्रोल नजर आ रहा है। रोजे में क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए शहवात इंसान की क्या कहती है, खाना लाओ, पानी लाओ, निगाह में कहीं ले जाऊं, कान में कहीं सुन लूं, हाथ में किसी को मार दूं। रोजे में क्या कहा जाता है, इन रोजे यू हैव टू बी केयरफुल, यू नॉट सपोज टू ईट, यू नॉट सपोज टू ड्रिंक, नॉट ओनली दैट, यू नॉट सपोज टू सी एनीथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड, you're not supposed to hear anything which is not allowed, which is prohibited. You're not supposed to say anything which is prohibited. All this thing is giving control. Everything is giving control. They're making a practice of giving control. Hajj mein kya ho raha hai? Hajj mein kya ho raha hai? Okay, you have a status. You may be a president of a country. You may be a prime minister of a country. You may be like I have a biggest status in your country. But when you come over here, change your clothes. Just wear the same clothes everyone is wearing. Your status is gone. Change. They can control aapko even for your mental state ke liye. Bhool jao ki tum president ho. Over here, you're abd. You're not supposed to have anything on your head. No, I have to have a big amama. No! Whether you're Ayatollah, whether you're president, whether you're supposed to have this big head, remove everything. You're not supposed to have even a good smell. Because here the smell of Allah subhanahu wa ta'ala only. You have to, with everyone, walk around Kaaba. See, full control. फुल कंट्रोल, प्रैक्टिसिंग कंट्रोल। इबादत आपको सिर्फ कंट्रोल सिखा रही है। देखिए हमने क्या कहा, ह्यूमैनिटी का मसला क्या था उस रिपोर्ट में, आउट ऑफ कंट्रोल। अबूदियत क्या सिखा रही है, कंट्रोल। बगैर ये सिर्फ इबादत थी, अबूदियत इससे बढ़कर है, अबूदियत इससे बढ़कर है। इबादत एक चीज है, अबूदियत उससे बढ़कर है। कहां नजर आएगी, करबला। करबला देखिए, आज हम कंपैरिजन करते हैं करबला का और दूसरे उनका। देखिए करबला में जब हुर का हुर पहली दफा आया, इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा अब्बास अकबर पानी खोलो, सबने पानी खोल दिया। क्या इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हम पानी देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे? नजर आ रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई इमाम के सामने चूं कर दे। अबूदियत की मंजिलत पे फाइज है। देखिए अबूदियत कहां से स्टार्ट हो रही है, अबूदियत कहां से स्टार्ट हो रही है। इमाम मदीने से निकलना चाहते हैं, हजरत उम्मे सलमा कहती है बेटा ना जाओ, मुझे तुम्हारे नाना ने कहा है कि करबला तुम्हारे लिए सही नहीं है। इमाम क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह कद शाअ अन यराका क़तीला, खुदा चाहता है कि मुझे, मैं शहीद हूं। इमाम को पता है मैं शहीद हूंगा, लेकिन अबूदियत का तकाजा है जो खुदा चाहता है मैं वो करूंगा। अच्छा कहा बीवियों को छोड़ जाओ, कहा खुदा चाहता है कि कुछ सबाया देखे, इनके बगैर ये कुर्बानी कंप्लीट नहीं होगी। जानते हैं कि ये अस्थिर मनाई जाएंगी। अबूदियत कहती है मैं जानता हूं लेकिन अब्द हूं, जो खुदा चाहेगा करूं। आप चलते हैं उससे, किस किसने ना रोका, इब्ने अब्बास ने रोका, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने रोका, सब ने रोका। अबूदियत ने कहा चलो तो इमाम चले। ये एक आपको मंजर नजर आ रहा है। देखिए दूसरी तरफ मंजर देखिए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया में खड़े हैं, सुलह हुदैबिया करते हैं। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो किसी भी मुकद्दस किसी के मुकद्दसात की तौहीन करे, लेकिन बाज़ोकात वाक़यात इस तरह आते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको, और आपकी किताबों से हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। सुलह हुदैबिया अपने बच्चों के लिए, इट वाज अ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज लाइक दैट।
In the sixth of Hijra, Prophet saw a dream. Prophet saw a dream that he's doing tawaf of Khanae Kaaba. And you know, Prophet's dream is true. And he woke up and he said to his companion that I saw this dream. Everybody become happy. To get in sab logon ke nazdeek Kaaba ek muqaddas jagah tha. Inka dil chahta tha ki hum tawaf karein. Sixth Hijri mein ab ye sab log 1400 people inhone ihram bandha aur chale Makkah ki taraf tawaf karne ke liye. जब तक चले मक्का की तरफ तवाफ करने के लिए कुरैश से कई वॉर्स हो चुकी हैं. नाउ एट नियर बिफोर द रीच टू मक्का अ डेलीगेशन केम फ्रॉम कुरैश एंड सेज व्हाई यू केम हियर. उन्होंने कहा हम उमरा करने आए, देखो हमारा लिबास देखो, हम यहां हथियार लेके नहीं आए. यहां पर एक डायलॉग होता है और कहा जाता है कि ठीक है हम एक एग्रीमेंट करते हैं. दैट एग्रीमेंट वॉज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. Treaty of Hudaybiyah, that in this treaty they decided the first time that they are not going to work against each other and there will be a peace between the two sides for 10 years. And in this treaty they said that you have to respect this treaty, whoever will disrespect other party will have to go fight and we are not going to work against each other. But at this time you have to go back and you will come next year. Next year we will allow you to do Hajj for 3 days. We will empty Makkah and then you will come over here and we'll do Hajj. Payambar aate hai, treaty ko manzoor karte hai. I accept this. Aayi. Dekhiye, yahan par abudiyat hai ya nahi hai. Ek salawat. Allahumma salli. देख सकते हैं इंटरनेट से लेके सही बुखारी से लेके सही मुस्लिम से लेके जाके देखिए. ओवर देयर दे हैव पुट हैव दिस रेफरेंस दैट ऑन द डे ऑफ पीस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया उमर बिन खत्ताब टोल्ड द प्रॉफिट दैट ही हैड नेवर डाउटेड इन हिज प्रॉफिटहुड एज मच एज ही डिड ऑन दैट डे. एंड द डायलॉग इज सच. आई एम रेफरिंग दिस विद सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 page number 256. I'm reading exact ibadah. A'udhu billahi min shaitan rajim. Bismillah. Faqala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khud keh rahe hain. Wa ataitu nabiyallah sallallahu alayhi wa sallam. Main Payambar Akram sallallahu alayhi wa sallam ke paas pahuncha. Faqultu alastu nabiyallah haqqan. Kya tum nabi nahi ho khuda ke? फिर आपने हम पे ये जो जिल्लत और ख्वारी है आपने कैसे एक्सेप्ट की. सही बुखारी वॉल्यूम आपके सामने बयान किया पेज नंबर 256. यहां पे हम बयान करते हैं कि ये कोई जिल्लत नहीं. कहा कि आपने ये नहीं कहा था कि आज इस दफा हम उमरा करेंगे. कहा मैंने कहा था. लेकिन पैगंबर कहते हैं मैंने कब कहा था कि हम इस साल करेंगे. मैंने कब कहा था. ये सब इसी की मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं. अच्छा, इस पर ये राजी नहीं होते जाते हैं. यही वाला डायलॉग अबू बकर के साथ करते हैं कि क्या पैगंबर जो है वो सच्चे नबी नहीं है, कहाँ है, कहाँ हक पे नहीं है, कहाँ है, वगैरह वगैरह. और यहां उसके बाद ये राजी होते हैं. सही बुखारी सही मुस्लिम. एक सलावत पढ़ते हैं. सही मुस्लिम पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 259. फजा उमर बिन खत्ताब. कहते हैं उमर बिन खत्ताब आए. फाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के पास. फकाल, ये उमर कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है. वहुम अलहुम अलल बातिल, वो बातिल पे नहीं है. काला बला,
और अलैहिस्सा कुतलाना फिल कतलाना फिल जन्ना, आज जो हमारे जो जो मक्तूल है वो जन्ना में जाएंगे, वह कुतलाहुम फिल नार, और उनके मक्तूल जिसमें जाएंगे। कहा बला قال فيما نوت الدنيا في الدين لنا, फिर आपने क्यों हमारे दीन में हमें जिद्दत जलील करवाया। इसके बाद ये आके सही मुस्लिम एक और जगह पे आगे नीचे तीन लाइनों के बाद लिखते हैं, قال فانطلق عمر فلم فلم يصبر متغيظا, उमर गैज में आ गए। متغيظا जब अरबी में इस जगह पे गैज को इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर ये होता है कि ना उनको गैज आ गया, बल्कि गैज में जब कोई इंसान बहुत गुस्से में आ जाए तो उसके मुंह से आवाजें निकलने लगती है, ये हालत हो गई। मैं यहां पे मैंने अर्ज किया, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस देना था, सिर्फ ये बताना था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सआदत नसीब नहीं हुई कि उनके कंपेनियन अबूदियत पर होते, ये सआदत नसीब नहीं हुई, ये सआदत इमाम अली को भी नसीब नहीं हुई। आप जानते हैं कि सिफेन में जब इमाम बुलाते थे कूफे वालों को तो इमाम के नहजुल बलागा में अकवाल है कि ए मर्दों की शक्लों वाली औरतों, क्योंकि बहाने करते थे कि इमाम इस दफा गर्मी ज्यादा है, हम जंग लंबी हो चुकी है, हम थक चुके हैं, ये अबूदियत मौला को भी नहीं मिली। इमाम हसन का भी आपको मालूम है, इमाम हसन को भी ना मिली। इमाम हसन ने जब ट्रीटी की, पीस ट्रीटी, तो आपको क्या कहा गया, ऐ मोमिनीन को जलील करवाने वाले, आपके नीचे से जानमाज खींची गई, आप पे हमला किया गया, ये अबूदियत आपको कहीं नजर नहीं आएगी मगर करबला में। करबला में अब जितने कंपेनियन हैं, अब सब में कॉमन एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो तीन चीजें नजर आएगी और ये तीन चीजें हमारे मसाइल को हल करेगी। एक अबूदियत, दो चीजें मैं आपके सामने बाद में अर्ज करूंगा। एक सलावत पढ़ दीजिए, चीज हमें अबूदियत अदा करेगी, इबादत उसका एक मिसाल है। हमें जब पता चल जाए कि मौला क्या चाहता है तो बस उसके अब्द हो, अगर मौला कहे एक हुक्म दे कि इस तरह जिंदगी गुजारो, इस तरह जिंदगी गुजारो, तुम्हारे मालियात इस तरह से हो तो इस तरह गुजारो, तुम्हारे इबादत इस तरह से हो तो इस तरह करो, तमाम चीजें मौला के मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम अबूदियत है। ये अबूदियत आपको क्या देगी, आपको कंट्रोल देगी। देखिए रिलीजन के मायने में आज आपके सामने अर्ज करूं, पहले मैं अपने यूथ से सवाल करूं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिलीजन? द वन आंसर इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल, अनदर वन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिलीजन? कोड ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ। एनीवन एल्स, यूथ, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज रिलीजन, सो यू कैन फाइंड आउट वेदर दिस रिलीजन इज अ बर्डन और नॉट, वेदर दिस रिलीजन इज समथिंग एक्स्ट्रा, वी आर डूइंग सम फेवर, वी आर गिविंग सम फेवर टू अल्लाह सुभानहु व तआला, वी आर गिविंग फेवर टू इमाम हुसैन, दैट वी आर कमिंग टू हिज मजलिस, इमाम हुसैन गिव यू अ फेवर, माशाल्लाह, अल्लाह सुभानहु व तआला, you have to be proud on me, I pray, I fast, you know I fast all 30 days, what is religion? आज अब इमाम के फर्श अजाज से ये मकसद ले जाइए, आप अगर इस मकसद को आपने डाइजेस्ट कर लिया आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। What is religion? Anyone else?
ह्यूमैनिटी इंसानियत इंसानियत और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और कुछ एक सलावत पढ़िए इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जवाब दिए इनके लिए भी एक सलावत अब इसको मैं दो दफा रिपीट करूंगा इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए अपनी जिंदगी में एंड यूथ स्पेशल बिकॉज आई सी दिस कंप्लेंट फ्रॉम द यूथ दे फील दैट रिलीजन इज अ बर्डन दे पुट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ह्यूमन इज डिजाइंड सच Look for the designer man. Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ That's the human design. لَقَدْ And I told you several times, this laam and qad has purpose. It's if there is no doubt. بِتَحْقِيقُ قُدُومِ There is no doubt that we have created a human. Not talking about a moment. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ It's very simple Arabic. For sure, we have created human. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ What is the kabad meaning? In pain. In this world, every human has to go through pain. Every single human, whether you're religious or not religious, aap jaake dekh lijiye, and I presented that report. Stress, anxiety, depression, everything is for humanity, not for women only. Human design such a way, birth se lekar death tak he has to go through pain. एक साइड का सवाल आ जाएगा तो अल्लाह ने जुर्म कर दिया इंसानों के साथ नो दैट्स द वे दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड व्हाई बिकॉज थ्रू दिस पेन गोइंग थ्रू दिस पेन फ्रॉम द जर्नी ऑफ दिस पेन योर सोल विल बिकम स्ट्रॉन्गर विल गेट द शेप देखिए मैंने आपको पहले दिन कहा था एप्पल सीड has to go through the pain in order to become an apple tree. ये जब आप सीड को जमीन में बोते हैं इसको एक पेन होता है फटता है ये एक पेन से गुजरता है जब तक कोई चीज पेन से नहीं गुजरेगी उसको कुछ हासिल नहीं होगा लाइक यू गाइस सेज इन इंग्लिश नो पेन नो गेन राइट दैट्स द होल फॉर्मूला ऑफ दिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटी इस तरह से एग्जाम किया वेदर यू फॉलो रिलीजन और नॉट आप रिलीजन को फॉलो ना कीजिए यू हैव टू गो थ्रू पेन बर्थ के पेन से लेके अपनी जिंदगी गुजारने क्योंकि इस कायनात में इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है एवरी डे देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ये जो स्ट्रेसेस है इसकी वजह यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आज का दिन हमें कोई अजियत नहीं करेगा नो बडी विल गिव अजियत टू अस गलत एक्सपेक्टेशन है खुदा ने कसम खा के यकीन दिला के कहा लकद खलकनल इंसान फी कबद ह्यूमन का क्रिएटेड इन पेन दीन क्या है लाओ आप अपनी डिक्शनरीज को करेक्ट कर लीजिए इसको याद कर लीजिए दीन आया है आपको हेल्प करने के लिए कि आप इस पेन से इजली क्रॉस कर जाएं इस पेन से निकल जाएं ये आपके लिए पेन इजी हो जाए ये मैं आपके सामने कोई खिताबी नुक्ता नहीं कह रहा दीन का काम द वर्क द मीनिंग ऑफ द रिलीजन इज टू मेक योर लाइफ
easier. इसलिए अगर आप किसी दीनदार को, सही दीनदार को देखेंगे तो कुरान का वादा है, ना उसके दिल में हुज्न होगा, ना उसे कोई गम होगा, वो तकलीफों से गुजरेगा, तकलीफों से गुजरेगा, लेकिन उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी, रूह आरामिश में होगी। आखिरी वक्त में हुसैन कहेंगे रजन बे रजाई तस्लीमन ले अम्रे, मैं राजी हूं तेरी रजा पे। राजी कौन होता है? जिसका दिल सुकून में होता है, वरना कोई शख्स राजी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। जब हजरत ज़ैनब मासूमा नहीं है, लेकिन वो उस दर्जे में फाइज है, क्या आगे कहती है? माराई तो इल्ला जमीला, जो इस तरह जिस्म तकलीफ में है, लोगों की अज़ियतें इतनी ज्यादा हैं, लेकिन क्या कहती है? माराई तो इल्ला जमीला, I haven't seen anything other but beauty. क्या है ये? ये दीन आके रिलीजन हेल्प करता है, ये दीन आके हेल्प करता है। तो रिलीजन, I told you I'm going to tell this two times. Religion, the meaning of religion is a code which will help you pass through this life, pass these exams of the life with comfort. ये है रिलीजन का मसला। और मैंने आपके सामने वाज़े कर दिया, नमाज उसको ने गिव यू ए प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल। एनी टाइम दुनिया के किसी इंसान को देख लीजिए, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो आंख की शहवत रखता है उसका हाल देख लीजिए जाकर, जो फहाशी में है उसका हाल देख लीजिए, रूहानी बीमारियों में मुब्तला है, जो मुसीबत में है उसका हाल देख लीजिए, इरादा नहीं है। ये मैं आपको राज बता रहा हूं, व्हाई द म्यूजिक हराम, बिकॉज इट मेक योर सोल वीक, यू कैन नॉट मेक अ फर्म डिसीजन। आप जाके किसी इंसान को जो ओवर ईटिंग कर रहा है उसका देख लीजिए, उसको डायबिटीज से लेकर दुनिया की चीजें लगी हुई हैं। इंसान जब भी अपनी फोर्सेस को आउट ऑफ कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। दीन आ रहा है हेल्प करने के लिए, दीन आता है हेल्प करने के लिए। बस रिलीजन आज से बर्डन नहीं है, रिलीजन एक ऐसी फोर्स है, खुदा की तरफ से एक ऐसा अतिया है, एक ऐसी चीज आपको अता की गई है, जिसकी तरह से आपकी जिंदगी आराम से गुजर जाए, आप इस मुश्किल से आराम से गुजर जाए। हम समझते हैं कि सिर्फ हम मुश्किल में है, हम समझते हैं सिर्फ हम मुश्किल में, पूरी दुनिया मुश्किल में, एक एक आदमी मुश्किल में, एक एक आदमी उसी तकलीफ से गुजर रहा है। तो आज हम इस चीज को समझ लें, एक सलावत दें। अर्ज किया था, अल अबूदियतु जौहरतुन कुन्हुहा अल रबूबिया। अबूदियत क्या करती है? उसका जो न्यूक्लियस है, उसकी जो रियलिटी है, वो क्या है? रबूबिया। रबूबिया क्या है? एक रूह का कंट्रोल है। रूह की करैक्टरिस्टिक क्या है? रूह की करैक्टरिस्टिक शुजाअत है, रहमानियत है, मोहब्बत है। देखिए शुजाअत, देखिए बीबी की। आइए देखें, चलें यजीद के दरबार में बीबी के साथ कदम उठाते हुए। देखिए ये मुकद्दरा, ये किस तरह से इनकी, इनका गम देखिए। मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, इमाम से इतनी शदीद मोहब्बत है, कहा जाता है 6 दुनिया में अफराद पैदा हुए हैं, उन जैसे अफराद नहीं है। हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से मोहब्बत, हजरत फातिमा की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और हजरत ज़ैनब की इमाम हुसैन से मोहब्बत। उस मोहब्बत का अंदाजा कीजिए, यहां तक कि जब शादी का वक्त आया है तो शर्त रखी गई है कि अब्दुल्ला इजाजत देंगे, जहां हुसैन जाएंगे मैं वहां जाऊंगी, शादी की शर्तों में शामिल है। इतनी मोहब्बत है, खुदा ने इतनी मोहब्बत डाली है। ये वो मुअज्जमा है
जो इतनी तकलीफें उठाकर, ये वो जो हिजाब में, जैसे कि कल शेर पढ़ा ब्रदर अजीज ने, कि जहां पर हिजाब में गुजरना मुश्किल होता है, वहां बेहिजाब खड़ा होना, इस मरहलों से गुजर कर आइए और आने के बाद आप शुजात देखिए। कुछ लम्हे आज आपको कभी मसाइल में ये जुमले नहीं खुतबे मिलते, मैं चाहता हूं आज आपके बच्चों के सामने ये खुतबे पेश करूं, आपके सामने आती हैं आप, यजीद के दरबार में खड़ी हैं, 400 कुर्सी नशीन बैठे हैं, कौन सा दरबार है? इमेजिन कीजिए जैसे आज आप किसी एम्पायर के दरबार में खड़ी हो, क्या हैबत होगी उसकी, और जानबूझ के हैबत क्रिएट करने के लिए बड़े बड़े हॉल क्रिएट किए जाते हैं, ऐसी कुर्सियां बिछाई जाती हैं, अपने आप को ताकतवर शो किया जाता है, आप जंजीरों में हैं, आती हैं, क्या कहती हैं, हम्द करती हैं, अलहम्द की, खुदा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला रसूलिही व आलिही अजमईन, सदकल्लाहु सुभानहू कदालिक यकूल, आके आयत का इंतखाब करती हैं, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا به يستهزئون, जिन्होंने बुरा काम किया उनका अंजाम भी बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की निशानियों की तकजीब की। इमाम हुसैन अल्लाह की निशानी थे और उनका मजाक उड़ाते थे। इस शख्स मलबून ने छड़ी मारी थी ना इमाम के मुंह पर, लबों पर, ये भी आगे कह रही है, आयत का इंतखाब करती है, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसके बाद मुखातिब करती है, आप लहजा देखिए बीबी का, अज़ननतु या यज़ीद, मुखातिब है उसको, ज़िल्ले खुदा नहीं कह रही, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहती, कहती है अज़ननतु या यज़ीद, यज़ीद तो क्या गुमान करता है, हैसु अखस्ता अलैना अक्तार अल-अर्ज़ व आफ़ाक़ अस-समा, तू ज़मीन और आसमान को हम पे तंग करके ये गुमान करता है, व अस्बहना नुसाक़ कमा तुसाक़ल उसारा, हमें असीरों की तरह शहरों में घुमा के तू ये गुमान करता है, अन्ना बिना अल्लाह हवाना, कि तू हमें खुदा की निगाहों में छोटा कर देगा, ज़लीलो ख्वार कर देगा, वबिका अलैह करामा, और अपने को करामत कह देगा, अमीन अल अदल यबन तुलका, अभी यजीद भी नहीं कहती, कहती है यबन तुलका, वो आजाद किए हुए की औलाद, या कहती है कोई अदल है, तकदीरों का हराय का व इमा का, तेरी बीवियां और तेरी कनीजें पर्दों के पीछे बैठे हैं, वह शौक का बनाता रसूल अल्लाह सदाया, और रसूल अल्लाह की बेटियां असीर बनाकर शहरों में घुमाई जाएं, फिर उसको चैलेंज करती हैं, फकीद कई दखा, तू अपनी से पूरी कोशिश कर ले, तू सारे अपने नक्शे पर अंजाम दे ले, वसा सा यका, अपनी सारी कोशिशें कर ले, बना सब चुप तका, अपने सारे कारिंदों को दौड़ा दे, फवल्लाहे खुदा की कसम, ला तम हु जिक्रना, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, वला तुम ही तो वाहिना, और हमारी याद को महव नहीं कर सकता, वला तुद्रिको अमरना, अरे तू हमारी हद तक नहीं पहुंच सकता, वला तरहिज अनका आ रहा, खुदा की कसम तुझ पे से ये आर साफ नहीं होगा, वहल रायु का इल्ला फुंदा, जान जा कि तेरी तदबीर खत्म होने वाली है, वायामुकल एअदा, तेरे दिन गिने जा चुके हैं, वजमुकल
अबदा तेरे इर्द-गिर्द लोग परागंदा होने वाले हैं। कहती है यौम युनादिल मनामुनादी, एक दिन उस दिन का इंतजार कर जब मुनादी आवाज देगा अला लअनतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर खुदा की लानत हो। देखिए अबूदियत ये शुजात देती है। अर्ज किया था बीबी कहां से आई है, अरे आप दो एक लम्हे के लिए दो मंजर अपनी आंखों में सजाएं, एक 41 हिजरी का कि एक बीबी चाहती है शहर में दाखिल हो, मुकम्मल मुहज्जबा है, अरे उनके साथ आगे अब्बास है पीछे अली अकबर है, इमाम हसन इमाम हुसैन साथ है, रात की तारीकी में कूफे में दाखिल होती शहजादी है इस कूफे, अरे यहाँ पर इसी शहर में 3000 औरतों को कुरान की दर्द देती है तफसीर करती है, आप इनकी शान देखिए इज्जत देखिए, और आज 61 हिजरी, आज 61 हिजरी बीबी किस तरह आ रही है, अरे बेकजावा ऊंटों पर सवार है, हाथ बंधे हैं, गले में तौक है, सर पे चादर नहीं, आप इस शहर में दाखिल हुआ चाहती हैं। अरे एक शख्स दारुल अमारा की इमारत की तामीर कर रहा था, कहता है कि मैंने शोरगुल की आवाज सुनी, मैंने पूछा कि ये शोरगुल कैसा है, कहा एक बागी ने खुरूज किया था, उसके खानदान को असीर बना के लाया जा रहा है। ये शख्स कहता है वो कौन बागी था, कहा हुसैन इब्ने अली, जाहिरन ये शियार अली था। इस शख्स के जाने के बाद अपने मुंह को पीटना शुरू कर दिया, कमाए हो मुझ पर, अपना सामान उठा के एक तरफ फेंका, दौड़ा शहर की तरफ, देखा शहर को सजाया जा रहा है, कहा क्या मसला है क्यों नहीं काफला आया, कहा पहले शहर को सजा दिया जाए, पहले लोग आ जाए तमाशाई आ जाए, शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, अरे काफला आता है ये आगे बढ़ता है, कहता है सलाम वालेकुम, देखता है आगे 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 शहर से जवान चला आता है, इसके गले में तौक है, कहता है देखता है मैंने उनके गले से खून बह रहा है, मैंने आके सलाम किया, सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, इमाम सज्जाद कहते हैं अरे शहर में कौन है जो हमें सलाम करे, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह अजरकुम। काफला आगे बढ़ता है, काफला आगे बढ़ता है, काफले का आगे बढ़ता है, मदीने में छतों से बच्चों के लिए खजूरें फेंकी जाती हैं, बच्चों के लिए खजूरी फेंकी जाती है, हज़रत उम्मे कुलसुम आगे बढ़ती हैं, कहती हैं सदका तो अलैना हराम, ऊपर से एक औरत कहती है बीबी आप कौन है, सदका तो सिर्फ अहले बैत पे हराम है, अरे कहती है अरे क्या इस दुनिया में, अरे इस बड़ी दुनिया में हमारे अलावा भी कोई अहले बैत है, अरे औरत घबरा जाती है हाथ जोड़ के कहती है बीबी मुझे माफ कर दे मुझे नहीं पता था, अरे आपकी कोई हाजत हो तो बोलिए, बीबी कहती है अरे अगर बीबी अगर कोई चादर हो तो हमें ला कर दे दो, ये औरत जाती है भागी भागी कुछ चादरों का इंतजाम करती है, थोड़ी देर के लिए बीवियों के सरों पे चादरें आती है, पर अल्लाह कयामत का सवाल थोड़ी देर बाद नेज़े बुलंद होते हैं और बीवियों के सरों से खून जारी होता है, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। एक दफा काफला आगे बढ़ा, एक दफा काफला आगे बढ़ा, हजरत सकीना को प्यास लगती है, कह
पैदा किए भूखी अम्मा प्यास लग रही है, एक खातून सुन लेती है, भाग के जाती है, एक कूजे में पानी लेके आती है, कहती है बेटा ये पानी ले लो, मैंने अपने मौला से सुना है कि यतीम का ख्याल रखना बहुत अच्छा है, अरे उसके बाद ये पानी पी लो तो मेरे लिए दुआ करना। हज़रत ज़ैनब कहती है बेटा पहले दुआ करो। हज़रत सकीना कहती है बीबी तेरी क्या दुआ है? कहती है मेरी दो दुआएं हैं, पहली दुआ ये है कि आप दुआ कीजिए कि मेरा शौहर खैरियत से वापिस आ जाए। अरे हज़रत सकीना ने जाने कैसे ये दुआ की होगी, अरे किस तरह हमारा वतन याद आया होगा। हज़रत सकीना दुआ करती है, उसके बाद उसके कहती है पता तेरी दूसरी हाजत क्या है? ये औरत कहती है मेरी हाजत है कि मैं मदीना जाऊं, एक दफा हज़रत ज़ैनब अपने वतन का नाम सुनती है, अरे बेवतन है, ग़ुर्बत का आलम है, पलट जाती है, अरे दिल को कुछ होने लगता है। कहती है बीबी मदीना जाके क्या करोगी? कहती है बीबी मुझे एक मोहल्ला है बनी हाशिम, उसमें जाना है। अरे उन्होंने कहा मोहल्ला बनी हाशिम जाके क्या करेगी? अरे मोहल्ला बनी हाशिम में मेरा मौला रहता है और मेरी बीबी रहती है। कहती है तेरे मौला का नाम क्या है? कहती है मेरे मौला का नाम हुसैन। कहती है तेरी बीबी का नाम क्या है? कहती है मैं आपके सामने इस मजमे में बीबी का नाम नहीं ले सकती। हज़रत ज़ैनब कहती है उम्मे हबीबा, Hey!